से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय किचन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, हाजिर खिदमत हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ। आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ आलू गोभी की सब्ज़ी। जी हाँ, आलू गोभी। गोभी आपको पता है दो तरह की होती है, एक कैबेज होती है, एक कॉलीफ्लावर होती है यानी बंद गोभी, और एक फूल गोभी। हम बनाने वाले हैं आज आपके लिए बंद गोभी की सब्ज़ी, आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी। तो चल के देखते हैं फिर कि उसके लिए क्या क्या चाहिए। साथ रहिएगा, जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। जी फ्रेंड्स, हम लेकर आ गए हैं आपको इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आलू गोभी की सब्ज़ी के लिए क्या क्या चाहिए होगा देखते हैं। आपकी वक्त की बचत के लिए हमने सारी सब्जियां काट के रख ली हैं। ये बंद गोभी है, तकरीबन हाफ के जी बंद गोभी है, हाफ के जी ही हमने आलू लिए हैं, क्यूब्स में काटे हैं। आपको हम क्लोजअप भी दिखाएंगे अभी। अच्छा, इसके साथ फिर जाएंगे टमाटर जाएंगे, ऑब्वियसली ग्रेवी टमाटर से बनेंगे। इसमें हम तड़का लगाएंगे पहले। ये हमने लिया है स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट, लेकिन हम सब नहीं डालेंगे, थोड़ी इसमें से हाफ डालेंगे। इससे बड़ा अच्छा इसका टेस्ट जो है इन्हेंस होता है। वाइट पार्ट लिया हमने, स्प्रिंग अनियन का हम ग्रीन पार्ट भी लेंगे। ये हम सब काट के रख लिए, ये हमने सब काट के रख लिए, ये हम सारी में डालेंगे, ये हम स्टोर कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे। टमाटर लिए हैं हमने, तकरीबन दो टमाटर लिए हैं बड़े बड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा है। और ये बन के तो बहुत थोड़ी सी हो जाती है, आपको देखने में लग रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बन के बहुत थोड़ी सी हो जाएगी। और ये है, यकीनन बहुत से लोग इससे आगा नहीं होंगे इस सब्जी से, ये बड़े मज़े की है और ये बड़ी मतलब खट्टी खट्टा होता है इसका फ्लेवर जो होता है। हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कवर किया, हम जब पाकिस्तान गए थे लास्ट टाइम, तो हमारी बहन ने, बड़ी बहन ने, बाजी ने हमारी, ये हमें इंट्रोड्यूस करवाया। ये है ग्रीन गार्डन, हरा लहसुन। यहाँ पे पाकिस्तान का नहीं आता है, तो इसका फ्लेवर भी डिफरेंट है, ये किसी और कंट्री का आता है, इसका फ्लेवर डिफरेंट है। जो पाकिस्तान में मिलता है हरा लहसुन, वो थोड़ा उसमें खट्टा बन होता है। बाजी ने हमें खिलाई थी कीमे के साथ, उन्होंने इसमें डाला था ग्रीन गार्डन, हरा लहसुन, और उन्होंने चटनी भी बना के दी थी हमें, खिलाई थी। तो हम उनसे फरमाइश पर बनवा के लेके आए थे यहाँ पर। इसकी चटनी आप यकीन कीजिए, इतनी मज़े की चटनी होती है ना, आप पकौड़ों के साथ खाइए, समोसों के साथ खाइए, खट्टी चटनी होती है ग्रीन चटनी, इसमें लहसुन, हरी मिर्चें, ये ग्रीन गार्लिक, सॉल्ट, ज़ीरा और सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, वो आपको टेस्ट वैसे ग्रीन चटनी में नहीं मिलेगा, बहुत मज़े का टेस्ट होता है। आप ज़रूर बनाइएगा, पाकिस्तान में आप यकीनन अवेलेबल होगा, यहाँ सर्दियों में आता है ये, और यहाँ पर तो खैर ये इसका है तो अवेलेबल तो है, लेकिन ये किसी और कंट्री का है, इसका टेस्ट भी डिफरेंट है, खट्टापन नहीं है। ये हो गया जी। अच्छा, ये सब्ज़ी सारी हो गई। अब इसमें जो है अचारी इंग्रेडिएंट्स, अच्छा ये कड़ी पत्ता भी जाएगा। कड़ी पत्ता हमारे हर खाने में लाजमी होता है, क्योंकि ये रिकमेंड करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, आपका ब्लड प्रेशर जो है ये ड्रॉप करता है कड़ी पत्ता, तो ज़रूर खाने में इस्तेमाल किया कीजिएगा। इससे एक टेस्ट भी आपके अलग होता है और ये आपके लिए इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर के लिए। कड़ी पत्ता जाएगा बघार में, और हम स्प्रिंग जो वाइट स्प्रिंग अनियन है ये देंगे बघार के लिए, तड़के के लिए। और इसमें जाएगी तड़के में राई, जिससे आपका थोड़ा सा अचार का टेस्ट आएगा, उसमें सब्ज़ी आपकी थोड़ी मज़े की रहेगी। राई लेंगे, कलौंजी लेंगे, क्योंकि आपको पता है अचारी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, राई, कलौंजी, वाइट क्यूमिन, और जनाब सौंफ हमने पाउडर में लिया है, सौंफ का पाउडर है ये, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट डेवलप होता है, सौंफ पाउडर। और ये रेड होल चिली ये डालेंगे, इससे बड़ा अच्छा सा एक ना आपकी सब्ज़ी कलरफुल हो जाती है, टेक्सचर थोड़ा आपका डेवलप होता है। और एक हम इसमें जो साबुत गर्म मसाला देंगे, उसमें हम एक टुकड़ा डालेंगे दालचीनी का, और एक लेंगे ब्लैक कार्डमम, ठीक है। ये होल स्पाइसेस में हम सिर्फ दो इंग्रेडिएंट डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और चिली फ्लेक्स तो कर जाएंगे, इसलिए कि इससे भी बड़ा अच्छा टेक्स्चर आता है आपकी सब्ज़ी का, और थोड़ा टेस्ट भी इन्हेंस होता है। और जो सीजनिंग के लिए नॉर्मल वही सब जो डालते हैं खानों में, सॉल्ट जाएगा, रेड चिली पाउडर जाएगा, हम इसमें थोड़ी सी वाइट पेपर भी डालेंगे, और जनाब
थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और कोरिएंडर पाउडर डालेंगे बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में। हम बताएंगे जब किचन में बनाएंगे तो कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, कितना रेशो रखेंगे। आप रेशो अपने हिसाब से रखिएगा, हम रेशो अपने हिसाब से रखेंगे। और थोड़ी सी जाएगी इसमें कसूरी मेथी, हालांकि इसका कसूर तो कोई भी नहीं है लेकिन इसको जाना पड़ेगा सब्जी के साथ। इससे बड़ी अच्छी खुशबू, बड़ा अच्छा अरोमा क्रिएट होता है जब आप बनाते हैं ना सब्जी। ये जब मेथी डालते हैं कसूरी मेथी, तो बिलीव कीजिए पूरे घर में जो इसके महक जो होती है ना, एक अरोमा क्या बात है इसकी। और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी सारे घर में मल दी, इसमें हल्दी भी जाएगी। ठीक हो गया जी। अब आपको हम क्लोजअप दिखा देते हैं सब चीज़ों का, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। जी व्यूवर्स जी, हमारे यूट्यूबर्स फैमिली, यूट्यूबर फैमिली आपको दिखाते हैं क्लोजअप। ये देखिए, ये है कैबेज यानी बंद गोभी, क्यूब्स में काटे हैं हमने पोटैटो, ठीक है जी, टोमेटोस, स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट, स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट। लेकिन हम जैसे पहले बता चुके हैं कि सब नहीं डालेंगे, ये हम बाकी फ्रीज कर देंगे। हम इसमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे, हम दिखाएंगे आपको कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं इसकी। बाकी हम इसको कर देंगे फ्रीज जिप लॉक बैग में। हैं एक नई जो हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाई है सब्ज़ी, जी हाँ, ये हमने डिस्कवर किया है आपके लिए, ग्रीन गार्लिक, हरा लहसुन पत्ता और ये सारे स्पाइसेस जो आपको बताए हमने भी, ये सारे स्पाइसेस। ये देखिए हमारा कंटेनर, रिवॉल्विंग स्पाइस कंटेनर, आई लव दिस। इसको हम बड़ा इन्जॉय करते हैं जब इसको हम रिवॉल्व करते हैं ना ऐसे। चलन जी, अब चलते हैं किचन की तरफ। वेलकम बैक टू माई किचन, वेलकम बैक टू माई रसोई, वेलकम बैक टू माई बावर्ची खाना। देखा व्यूअर्स, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे यकीनन। अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग। इसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, क्योंकि अगर आप ऐसे बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा सब्जी को बनाने में। तो प्रेशर कुकर में हार्डली 10 मिनट में सब्ज़ी आपकी डन हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ले रहे हैं तकरीबन एक प्याली या एक कप चाय का कप जो है उसका हाफ कप, नॉट फुल कप, हाफ कप लेंगे ऑयल। इसमें जाएगा देंगे तड़का, तड़का डालेंगे पहले कड़ी पत्ते का, जीरे का और सारे जो अचारी इंग्रेडिएंट्स थे उनका तड़का लगाएंगे और उसके बाद फिर फर्दर इसकी प्रोसीडिंग करते हैं। व्यूअर्स, आप ज़रूर ये सब्जी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। आप चावल के साथ, हमारे यहाँ खाली ये वाइट चावल के साथ खाई जाती हो, वाइट राइस के साथ। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। और एक हमारा गर्म हो गया है, हम डाल रहे हैं इसमें 7 से 8 कड़ी पत्ते, ये हमने धो लिए हैं, इसमें डाल रहे हैं कड़ी पत्ता गया इसमें। अब इसमें जाएगा थोड़ा डालेंगे जीरा, कहाँ हो गई या क्या, वाइट क्यूमिन 1 टीस्पून जा रहा है इसमें, वाइट क्यूमिन सीड्स, क्यूमिन सीड चला गया 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से कम ही लीजिएगा, और फिर आप इसमें जाएगा होल रेड होल चिलीज 6 से 7 कम ही लेती हूँ, गोल वाली लाल मिर्च, इसमें जाएगा राई दाना ये भी तकरीबन 1/2 टीस्पून, हाफ टी स्पून में राई दाना, टोमेटोस
बता रहे हैं कि मिर्च काफी ज्यादा है। व्हाइट पार्ट ऑफ स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज एक हैंडफुल लेंगे हम इसका। वन हैंडफुल ऑफ व्हाइट पार्ट ऑफ स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज का एक मुट्ठी हरी प्याज। इसी तरह ग्रीन गार्लिक हरा लहसुन ये भी तकरीबन वन हैंडफुल एक मुट्ठी हरा धनिया सॉरी हरा धनिया नहीं हरा लहसुन और वन हैंडफुल ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ स्प्रिंग अनियन। थोड़ा सा भून लेंगे इसको। अब साथ साथ डाल देते हैं इसमें इसकी सीजनिंग कर लेते हैं सारे स्पाइसेस कर देते हैं। अभी सारे होल स्पाइसेस कहते हैं। अब जा रहे हैं इसमें पाउडर्स। अच्छा दालचीनी भी लेंगे हम सिनेमन स्टिक एक इंच का पीस ये हो गया जी। एक लेंगे हम होल कार्डिक ब्लैक कार्डिमम सिर्फ एक क्योंकि हमको गरम मसाला भी डालेंगे इसमें तो इसमें ज़्यादा स्पाइस मत डालिएगा साबुत गरम मसाला। ये जा रहा है इसमें सौंफ पाउडर वन टी स्पून इसमें लगा लेंगे। ये चला गया जी। कसूरी मेथी एंड में डालेंगे सॉल्ट जाएगा इसमें रॉक सॉल्ट तकरीबन एक टी स्पून आपके लिए एज पर योर टेस्ट जितना आपको पसंद है। रेड चिली पाउडर टू टी स्पून इनके चिली फ्लेक्स भी जाएंगे इसके अंदर और वो होल लाल मिर्च भी गई है तो इसकी ज़रा हाथ हल्का रखिएगा इसको। वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च तकरीबन हाफ टी स्पून ये हो गया जी। थोड़ा सा जाएगा इसमें धनिया पाउडर ये तकरीबन एक टी स्पून ले रहे हैं धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर तकरीबन हाफ नॉट फुल हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। ये सब हो गया जी सीजनिंग हो गई है। अब इसको थोड़ा भून लेते हैं ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें हम डाल देंगे आलू और साथ ही कैबेज भी साथ ही जाएगी दोनों क्योंकि दोनों ही साथ साथ सॉफ्ट हो जाते हैं। दस हार्डली 5 मिनट का हम इसमें वो लगाएंगे प्रेशर लगाएंगे और 5 मिनट में आपकी सब्जी जो है वो फुल डन हो जाएगी। बिलीव मी इतनी अच्छी एक महक आ रही है ना अरोमा जो क्रिएट हुआ है अचारी इंग्रेडिएंट्स का आप सोचें आपकी मुंह में पानी आ रहा होगा आप लोगों को खुशबू आ रही है ना पानी भी आ गया ना मुंह में। ट्राई ज़रूर कीजिएगा बहुत डिफरेंट थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है बनाते समय अपने घरों में बनती होगी आपके घरों में भी आलू और ये बंद गोभी की सब्ज़ी लेकिन हमारी थोड़ी सी रेसिपी इसलिए डिफरेंट है कि इसमें हमने थोड़ी सी वेरिएशन की है। थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं ये मसाला थोड़ा सा जलने वाला है एक कप हम इसमें पानी डाल रहे हैं ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अब हम डालेंगे इसके अंदर मेन सब्जी आपकी यानी आलू का इसके अंदर इसमें डालेंगे जितनी भी ग्रीन सब्जी है ना सबको काट के पानी में भिगो दिया कीजिए क्योंकि इनके अंदर मट्टी होती है अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया कीजिए वरना फिर खाने में किरकिर आती है। ये हमने काट के कैबेज हमने काट के देखिए स्ट्रेनर में रख दी थी तो सारा पानी इसका ड्रेन आउट हो गया है। अब कैबेज डाल रहे हैं इसके अंदर इसमें लगा रही है बड़ी मज़ेदार सी डिश सामने आने वाली है आपके लिए। क्या खुशबू आ रही है
चटपटी सी अचारी खुशबू, इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे और पानी बहुत कम डालेगा इसलिए कि इसमें टमाटर भी, टमाटर का पानी भी छोड़ेंगे टमाटर भी, और थोड़ा पानी में डाला है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसको ड्राई करने में बहुत टाइम लगेगा। ये सब्ज़ी आपकी 10 मिनट में, 8 या 10 या 5 मिनट में आपकी डाली जाती है। इसको हम लगा देते हैं प्रेशर, ये देखिए ये जा रहा है, इसका ढक्कन बंद करके प्रेशर लगा देंगे। 5 मिनट के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं, इन द मीन टाइम ताकि आप चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, गर्म ग्रीन टी पीजिए, एज यू विश, जो आपको करना कीजिए। सिर्फ 5 मिनट का वक्फा दे रहे हैं आपको, 5 मिनट बाद दोबारा आपको आना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। जी जनाब, देखिए मज़ेदार आलू गोभी की सब्ज़ी इज रेडी टू अटैक। ये देखिए, आपको यकीनन देखने में अच्छी लग रही होगी, क्रेविंग हो रही होगी खाने की, मुँह में पानी भी आ रहा होगा। देखें आलू भी, हाँ आलू भी गल गए हैं और सब्ज़ी 5 मिनट में, ये 5 मिनट हमने प्रेशर लगाया था, 5 मिनट का, 5 मिनट माशाल्लाह ये देखें कितनी अच्छी से गल गई है, सॉफ्ट हो गई है गोभी भी और आलू भी। साथ में हमने वाइट राइस बनाए हैं और ये बनाया हमने येलो राइस, चिक पीस का पुलाव बनाया है साथ में, ये बच्चे इसके साथ खाएंगे और हमारे मियाँ खाएंगे वाइट चावल के साथ, बच्चों का ये फेवरेट इसके साथ कॉम्बिनेशन है, चिक पीस का पुलाव विद आलू गोभी की सब्ज़ी। अपने खाने को प्रेजेंटेबल बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी ये रेसिपी, डिफरेंट एंड यूनिक आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी विद वाइट राइस विद चिक पीस का पुलाव, साथ में सैलेड, डेकोरेशन अमेजिंग डेकोरेशन। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए जनाब, कैंडल नाइट डिनर करेंगे हम लोग, आप भी आइए साथ और सुबह हम खाएंगे इसको पराठे के साथ, क्या मज़े की लगती, क्या स्वाद आएगा पराठे के साथ, इसका आप सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, और हमारे मुंह में पानी आ गया है सोच के कि हम जब पराठे से पराठा खाएंगे कितनी यमी और कितनी मज़े का हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है। चलें जनाब, जाइए जल्द से लगे, ट्राई कीजिए आप भी। जी व्यूवर्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? आई एम श्योर कि आपको पसंद आई होगी, थोड़ी डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर, ज़्यादा चाहेंगे आपसे आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली के लिए हमारी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टार्टअप।